talking you about the more than before. देखिए पूरे महीने में पहले से भी ज्यादा के विषय में बात कर रहा हूं. And this week like the coming week like the maybe I'm going to visit some of my church members house. I will let you know before. और देखिए कि हो सकता है कि हमारे मंडली के जो लोग हैं उनके घरों में जाके उनसे मिलूंगा. Me and my wife, we will just come and we will just pray. और देखिए कि हम मैं और मेरी पत्नी आपके घर में आएंगे हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे. Amen. Amen. And just we will pray and come back. Don't worry, you don't have to give us anything, you don't have to feed us, we'll just come and pray. देखिए चिंता मत कीजिए ना तो आपको हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा ना कुछ देना पड़ेगा हम सिर्फ आपके घर में आएंगे. And don't worry, I will not come and talk to you about the church building. चिंता मत कीजिए मैं आपके घर में आकर चर्च बिल्डिंग के बारे में नहीं बोलूंगा. I will just come and pray for you. मैं सिर्फ आऊंगा आपके लिए प्रार्थना करूंगा. Amen. So God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. And I know that this year God is going to give us more than before. मैं और मैं जानता हूँ कि इस साल परमेश्वर हमको पहले से भी ज्यादा बढ़कर देंगे. And for that I want to tell you something this morning what the Lord has put in my heart. और उसके लिए परमेश्वर ने कुछ चीजें मेरे हृदय में डाला है उन्हीं बातों को आज की सुबह मैं बोलूंगा आपसे. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And God is our faithful and He always with us. देखिए हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है वो हमेशा हमारे साथ है. Devil always try his level best to disturb us. और शैतान क्या करता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है हमें परेशान करने की. But we have to do our level best to do what God wants us. Hallelujah. हमें तो हमारा अपना पूरा कोशिश करना है. Don't allow devil to stop you. शैतान को आपको रोकने मत दीजिए. Don't allow devil to do anything. और शैतान को कुछ करने मत दीजिए अपने जीवन में. When you do something, don't stop. जब वो कुछ करता है आपके विरुद्ध में आप और भी रुक मत जाइए. यीशु के लिए अच्छे कामों को करते जाइए. Keep doing what God wants you to do. उन कामों को जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें उन कामों को आप करते रहिए. As a 3 point I share you the beginning of this year, the stay in His presence, listen from Him and do what He want us to do. तीन बातों को जो मैंने आपको इस साल की शुरुआत में बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए परमेश्वर की सुनिए और जो वो कहता है उस काम को कीजिए. इन बातों को आपको मैंने बताया. To do greater things. परमेश्वर जो है बड़े कामों को करेगा. If you are following my page, if you are following my like the what you call YouTube and also the like the my personal the Facebook. और देखिए Facebook में या मेरे पेज को अगर आप वहाँ पे आप जुड़ते हैं या फिर मेरे YouTube चैनल you will see something what the Lord is putting in my heart. I'm just putting that. और देखिए कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है उन्हीं बातों को मैं वहाँ पे keep post करता हूँ. Doing what God want us to do. और देखिए वही कामों को करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें. And I will tell you today. और मैं आपसे कहूँगा. Do not force on the thing which is not the will of God. देखिए वो बातें जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन बातों को जबरदस्ती ना करें. If you want to see more than before in your life. अगर आप अपने जीवन में पहले से ज्यादा देखना चाहते हैं. Then do not force on the thing which is not the will of God. तो उन बातों को जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन बातों को आप जबरदस्ती ना कीजिए. People are forcing on the things which is not the will. और देखिए कि वो बातों को लोग जो है उन्हीं बातों में जबरदस्ती कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है. And when you and I we do those things we are not blessed. We will not see any blessing in our life. और जब हम उन बातों को इस तरह से करते हैं तो हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं देखते. Do not do anything forcefully. कुछ भी चीज जबरदस्ती ना कीजिए. Do what God wants you to do. उन्हीं कामों कीजिए जो परमेश्वर चाहते हैं. What God is telling you boldly do it. और जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है ना उसको आप हिम्मत से कीजिए. Whatever the Lord is telling you. जो कुछ परमेश्वर आपसे करने को कहता है. Do it freely. आजादी से कीजिए. But don't force on the thing which is not the will of God. लेकिन उन बातों को जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं जबरदस्ती मत कीजिए. God has a plan in our life. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास असली योजना है. To sit in His presence. इसीलिए आप और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में so we can be clear what God wants us to do. ताकि हम इस बात को साफ साफ समझ सके. Because many Christians, many people, young people, old people, children are doing and forcing on the thing which is not the will of God. बहुत सारे जो मसीही लोग हैं क्रिश्चियन लोग हैं चाहे जवान हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो जो भी हो वो उन्हीं कामों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं. You and I, we have to sit in His presence. आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है. We have to listen from God. और उसकी सुननी है. And we have to do what God wants us to do. और उन कामों को करना जो परमेश्वर चाहते हैं. Then only we can see the blessing more than before in our life. उसके बाद ही तो हम परमेश्वर की आशीषों को उससे पहले से भी ज्यादा हम देख पाएंगे. The
I was talking to you that God is raising the faithful people for Himself who will do according to His heart and His mind. और देखिए मैं आपसे बता रहा था कि परमेश्वर जो है ऐसे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने लिए ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के मन और उसके हृदय की इच्छा के अनुसार करेंगे. You and I also we have to sit in His presence so we can know the heart and mind of God. इसीलिए आप और मुझको भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है ताकि हम परमेश्वर के हृदय उसके मन की इच्छा की बातों को जान सके. More than any other things. किसी और चीज से भी ज्यादा. You and I we have to sit in His presence. आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है. Because when we are in His presence. जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं. We can know easily the heart and mind of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तभी जाकर आप परमेश्वर के हृदय की इच्छा को जान पाते हैं. All this month talking you from the book of 1 Samuel. और देखिए पूरे महीने जो है हम पहले सामने किताब से बात कर रहे थे. And the last Sunday also and the previous like the message I told you that the God when the presence of God the ark of God was captured by enemy. और देखिए पिछले रविवार को हमने बताया था आपको कि जब परमेश्वर के वाचा का संदूक को जब शत्रुओं ने ले लिया था छीन लिया था. Their heart their mind change. उनका हृदय बदल गया उनका मन बदल गया. They're drawn away from God. और परमेश्वर से अलग दूर हो गए. From your and my life also if the presence of God is not there if we are not sitting in His presence then our heart and mind will be changed. It will be drawn away from God. और देखिए वैसे ही आपका मेरे जीवन में भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति भटक जाते हैं तो उसी तरीके से हमारा भी मन जो है वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा. You and I we have to sit in His presence. आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना Because है. Because answer is there. क्योंकि जवाब वहीं पर more है. More you sit in His presence. जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति you में बैठेंगे. More you can understand the heart and mind of God. जितना ज्यादा आप बैठेंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर के हृदय और मन की बातों को आप समझ पाएंगे. Now the Israelites from the Israelites the ark of God was captured. और देखिए कि इजराइलियों के बीच से परमेश्वर के वाचा का संदूक छीन लिया गया था. Now what happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? The chapter 8. I'm going to talk to you today about the chapter 8. और मैं आपको आज आठवें अध्याय के विषय में बात करूंगा. Now what happened till that time the God was leading Israelites. उस समय तक क्या हुआ था? परमेश्वर जो है इज़राइलियों की अगुवाई कर रहे थे. Now the verse 5 says. पांचवा पद कहता है. That they said to him, You are old and your sons do not walk in your way. Now appoint a king to lead us such as all the other nations have. और यहाँ पे पांचवा पद कहता है उससे कहने लगे सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे. That what the Bible says all the other nation have. और देखिए आप यहाँ पे बाइबल क्या कहते हैं कि सारे जो बाकी राष्ट्र है उनका उनके पास है. When you and I we are not in His presence. जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब नहीं we also want the things which world wants. देखिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते तो हम लोग भी क्या करते हैं जैसे संसार को जिन चीजों की जरूरत होती है हमें भी उन चीजों की जरूरत पड़ जाती है. The people they are focusing in the worldly things because they are spending their time more in the world. और देखिए इतने इसीलिए जो लोग जो है वो संसार की चीजों में ज्यादा ही ध्यान लगा देते क्यों क्योंकि वो अपने समय को संसारिक बातों में बिता रहे हैं. This is the time for the church to sit in His presence. आज मंडली के लिए समय आ गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे focus what God has for us. ताकि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा सके. Now these people says appoint us a king who can lead our nation. और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे कि हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर जो हमारे राष्ट्र की अगुवाई करे. As the other nation have. जैसे बाकी राष्ट्रों के पास बाकी राष्ट्र बाकी देशों के पास राजा है वैसे ही. That's why the people are like the church also Christians also they are focusing in the worldly thing. That's why all the time they demand also not the biblical. देखिए क्योंकि लोग जो है जो मंडली जो है और जो विश्वासी जन है वो भी अपने समय को क्या करते हैं कि संसार की बातों में इतना ज्यादा
जरूरत है वो भी संसारिक रीति पे होती है। Listen, church. देखिए मंडली ध्यान से सुनिए। Our world is different. हमारा संसार अलग है। We have to run. We have to force on the thing which God has for us. और परमेश्वर ने जिन बातों को रखा है उन्हीं बातों के लिए हमें दौड़ लगानी है। We don't have to force on the thing which is not the will of God for us. जो परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में नहीं है उन बातों के ऊपर में हमें अपने ध्यान को Now the Bible says when they were asking those worldly things. बाइबल कहता है कि जब वो संसारिक चीजों को वो लोग मांग रहे थे Because God wants to rule over his life. क्योंकि परमेश्वर जो है इसराइलियों के ऊपर राज्य करना चाहते थे। God wants to be the God of his life. परमेश्वर इसराइलियों का परमेश्वर होना चाहते थे। God wants to be the king over his life. और इसराइलियों का राजा परमेश्वर होना चाहते थे। Because he know. क्योंकि वो जानता है। Nobody can take care of the Israelites more than me. क्यों जहां परमेश्वर जानता था कि इन इसराइलियों का देख रहे मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता। God knows that nobody can love these people more than me. परमेश्वर जानते थे कि इनको मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। Church has to understand. मंडली को समझने की जरूरत है। That there is no one loves you and me more than God. मंडली को समझने की जरूरत है कि आपको और मुझको परमेश्वर से ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। There is no one who can give you the success you and me more than Jesus. आपको और मुझको परमेश्वर को अपना राजा होने दीजिए। Let God can rule in your life. परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करने पाए। If you allow the, if you see the worldly system and if you allow the world to rule your life, then I'm telling you, you're going in the wrong direction. और देखिए अगर आप संसार की रीति को अगर आप देखेंगे अगर आप संसार को अपने जीवन के ऊपर अधिकार करने देंगे तो मैं आपसे कह दूं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। The verse 6 says. अच्छे पर कहता है। But they say to them that give us a king to lead us. This displeased Samuel, so he prayed to the Lord, and the Lord told him, "Listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." और यहाँ पे 6 और 7 पर कहता है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामने बुरी लगी और सामेल ने यहुआ से प्रार्थना की और यहुआ ने सामेल से कहा वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझ ही को निकम्मा जाना है कि What? मैं उनका राजा ना रहूं। He said they did not reject you, they reject me as their king. और यहुआ परमेश्वर ने सामेल से कहा कि उन्होंने तुझे निकम्मा नहीं जाना है बल्कि मुझे निकम्मा जाना God है। नेवर वन That the somebody else to rule Israelites. परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई और इज़राइलियों के बराबर रहे। Forcing. लेकिन वो इज़राइली लोग जबरदस्ती कर रहे थे। They were forcing on the thing which was not the will of God. और वो लोग जो हैं उन बातों को जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे उन्हीं बातों पे जबरदस्ती लगे पड़े थे। My friends, when you choose the worldly thing, you are rejecting God. मेरे प्रिय अगर आप जब भी आप संसार की बातों को चुनते हैं तब आप More than the kingdom things, if you're choosing the worldly thing, worldly system, you're rejecting God. परमेश्वर के राज्य से भी ज्यादा अगर आप संसार के नियमों को संसार की बातों को अगर आप चाहना कर रहे तो आप ऐसा करके परमेश्वर पर इनकार करेंगे। In other words, I can say, you are telling God, don't work in my life. You are not the leader of my life. You are not the king of my life. अब दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर से यूं कह रहे हैं कि आप मेरे जीवन में मत काम कीजिए आपको आप जो है मेरे जीवन का कोई अधिकार नहीं रखते आप मेरे जीवन के राजा नहीं है ऐसा करके
हैं परमेश्वर से कह रहे हैं. Now what the Bible says? बाइबल क्या कह रहा है? Now God told them. परमेश्वर ने उससे कहा. He says they have forgotten what I have done for them. और फिर यहाँ पे वो कहता है कि उन लोगों ने जो मैंने उनके लिए किया है उन सब बातों को वे लोग भूल गए हैं. I have brought them out from Egypt. मैं उनको मिस्र देश से बाहर निकाल दिया. And they have forgotten everything. उन्होंने सब कुछ भूल गए. What the Bible said, the Psalm 103 verse 2. और 103 बाइबल एक भजन संहिता 103 का 2 में क्या कहता है? He says, praise the Lord, O my soul. कि परमेश्वर की स्तुति कर, यहोवा की स्तुति कर. And forget not all his benefits. और उसके किसी भी उपकार को करुणा को ना भूल. You and I are sitting here because of Jesus. आप और मैं यहाँ पर यीशु की वजह से बैठे हैं. Your life is protected because of Jesus. यीशु की वजह से ही आप और मेरा जीवन सुरक्षित है. God has brought you out from the darkness. परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकाल दिया. He has brought you out from the sin. वो आपको पाप से बाहर निकाल दिया. Do not forget what God has done for your life. उपकार को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर कैसे नाम दिए. Let God be your God. हालेलुया. परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर बने पाए. Do what he wants. अब वो काम को कीजिए जो वो चाहता है. Don't force on the things. उन बातों पे जबरदस्ती ना पड़े. Don't force on the thing which is not the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है उन बातों को जबरदस्ती मत कीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Many people are forcefully doing. अधिक कुछ लोग जो है जबरदस्ती उसको Why they are doing? क्यों कर रहे? They were thinking they will get something. वो सोचते But listen carefully, forcefully, we cannot get anything. लेकिन ध्यान से सुनिए कि जबरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते. It will take you more far away from the kingdom. वो आपको परमेश्वर के राज्य से दूर ले जाएगा. Now God says, give them whatever they want. अब परमेश्वर से उसे कहता है कि दे दो जो वो चाहते उन्हें दे दो. Verse 9 says, वहाँ पर कहता है, Now listen to them, but warn them. He says, but warn them. यहाँ पर इसलिए अब तू उनकी बात मान ले तो भी तू गंभीरता से उसको भली भांति समझा दे. He says warn them. उनको समझा दे. Just did not समझा दे. Warn them. What do you mean by warn them? उनको चेतावनी दे. He says warn them. उनको चेतावनी दे दे. What he says? क्या क्या? And let them know that the king who will raise over them will do such a thing. और यहाँ लिखा है कि और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार कैसा होगा. God said warn them. वो कहते हैं कि उनको चेतावनी दे दे, उनको खबरदार कर दे. So I'm also telling you today. मैं भी ऐसे ही आपसे कहता हूँ. The people who don't want to sit in the feet of Jesus. वे लोग जो यीशु के चरणों में नहीं बैठना चाहते. People who don't do what God wants them to do. वे लोग जो परमेश्वर की बातों को नहीं करना चाहते. Their life will be in danger. उनका जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा. Their life will be in danger. उनका जीवन They will be far away from God. वो परमेश्वर They will be far away from His grace. उसके They will be far away from His love, His protection. उसके प्रेम से उनके सुरक्षा से वे लोग दूर चले जाएंगे. When they will keep asking, God says, give them, but warn them also. और यहाँ पे जब इस्राएली लोग मांगे जा रहे थे परमेश्वर ने कहा दे दो उन्हें जो चाहिए, लेकिन उनको खबरदार भी कर, उनको साफ भी कर दो. This is the year of more than before. वो ये जो साल है पहले से भी बढ़कर बढ़ा है. And I told you a few days ago. अब मैंने ऐसे कुछ दिन पहले कहा. If you are following my Facebook page, I said don't only expect the more than before from God, but do more than before for God. और देखिए अगर आप मेरी Facebook पेज को अगर आप फॉलो करते तो मैंने आपसे कहा था उस समय कि सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन में पहले से बढ़कर करे, इस बात को सिर्फ आप आशा ना करें, लेकिन आप खुद भी पहले से ज्यादा परमेश्वर के लिए करें. हालेलुया. स्पेंड योर टाइम, इफ यू आर गिविंग योर टाइम 1 आवर, गिव 2 आवर, डू समथिंग मोर देन बिफोर फॉर जीसस. और देखिए कि अगर आप पहले से ज्यादा, अगर पहले अगर 1 घंटा समय बिता दे तो अभी 2 घंटे समय को बिताए, लेकिन कुछ भी चीज आप कीजिए जो पहले से ज्यादा यीशु के लिए कीजिए. ही सेज वार्न देम. वो कहता है कि उन्हें सावधान कर दो. First Samuel chapter 2:35 says God is raising the faithful people who will do according to His heart and His mind. और यहाँ पे पहला सामुएल 2:35 कहता है कि परमेश्वर ऐसे विश्वासियों के लोगों को उठा रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को हृदय और मन की बातों को पहले से भी बढ़कर This is the time. ये वो समय है. Yes to yes, no to no. ये वो समय है जहाँ पे हमें हाँ को हाँ बोलना है, ना को ना. अगर आप गलत करें तो वो गलत है. From the beginning, this is the word is coming from God
my friend, it might be some of you. If you are wrong, it's been wrong. अधिक शुरू से ही परमेश्वर से ये वचन हमें बार-बार मिल रहा है मेरे प्रिय, अगर कुछ चीज अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही है. If you think something has to be changed your life, get ready for change. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज है जो आपको बदलना है तो उस बदलाव के लिए आप तैयार हो जाएंगे. Otherwise something will come in your life where you are going to put your head in your hand and start worrying. अगर नहीं तो क्या होगा कि कुछ ऐसा आपके जीवन में आएगा कि आप अपने हाथों को अपने सिर में रख के चिंता करना शुरू कर देंगे. Now he said that king will be like this. देखिए वो क्या पे उनको चेतावनी मिली कि राजा ऐसा होगा. Samuel told all the word of the Lord to the people who were asking him for the king. और यहाँ पे सामने ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे ये हुआ कि सब बातें कह सुनाई. He did it. उसने किया. What God told him. परमेश्वर ने सामने से जो कहा. Do what God is telling you. इसलिए देखिए जो भी परमेश्वर आपसे कहे. Do what God is telling you. जो परमेश्वर कहे करने के लिए कहे. Don't think what the people will think about me. इस बात की मत सोचे कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. That doesn't matter, my friends. उसका कोई बात नहीं है. Always do what God wants you to do. देखिए जो कुछ भी परमेश्वर करने के लिए कहते हैं boldly, the God is seeking, is raising for the people who will speak boldly, yes to yes, no to no. और देखिए कि आप देखिए हिम्मत के साथ में, हिया के साथ में जो कहा जाता है उसे कहिए. और देखिए परमेश्वर ऐसे विश्वासियों के लोगों को खोज रहे जो हिम्मत के साथ में हाँ को हाँ और ना को ना कह सके. Do not force on the thing which is not the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं उनको जबरदस्ती मत कीजिए. Do not force on the thing which is not the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं उस बात को जबरदस्ती मत कीजिए. It will put you in the problem. वो आपको ही समस्या में डाल देगा. Now what he says? ये क्या कहा है? This is what the king who will raise over you will do. और ये उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यहाँ चाल होगी. He said he will take your sons and make them serve with his chariot and the horses and they will run in front of the chariot. अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा. What रखेगा? Servant. नौकर रखेगा. God was taking or you can say seeing the Israelite as his son. और देखिए परमेश्वर his people. इसराइली लोगों को अपने बेटे अपना बच्चा करके अपने लोक के देख रहे थे. God is looking you and me also as his children. और देखिए परमेश्वर आपको और मुझको भी अपने बच्चे की तरह देखते हैं. But if you leave God and go in the other God. लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाएंगे. Other God means devil. दूसरा परमेश्वर can rule in your life, either devil can rule in your life. या तो परमेश्वर आपके जीवन में अधिकार कर सकेगा या तो शैतान. Is ruling in your life. अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन में राज्य करेगा. Your God. अगर परमेश्वर आपका परमेश्वर है. Then you are his children. तो आप उसके बच्चे हैं. But if you allow devil to rule in your life. लेकिन अगर आप शैतान को अपने जीवन में राज करने देंगे. Then you are his what? Servant. तो फिर आप उसके क्या है? नौकर होंगे. जो कुछ वो आपको करने के लिए कहेगा वो करना पड़ेगा. Clearly warning them. देखिए यहाँ पे परमेश्वर जो साफ साफ उनको सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं. And the verse 12 says. बारहवें पद कहता है. He says some they will assist to be commander to thousands and commander of 50 and other will pull his ground and reap his harvest. यहाँ पे क्या लिखा है? फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वहाँ अपने हल जुटवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों का साज बनवाएगा. If you read the till the 15 and 16, अगर आप 15 और 16 अध्याय तक अगर पढ़ते जाएं तो. The 16 says we don't have much time, so I'm just reading the verse 16. देखिए समय नहीं है, इसे जल्दी से 16 का पद पढ़ देता हूँ. He says, man servant and the meat servant and the best of your cattle and donkey, he will take for his own use. He says own use. और यहाँ पे लिखा 16 पद में, और फिर वहाँ तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे तुम्हारे कुमारों को लेकर अपने कामों में लगाएगा. अपने कामों के लिए,
आफ्नो कामको लागि लगाउँछ अनि म के भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईलाई अगर उस परमेश्वरलाई रूल गर्नु दिए भने परमेश्वरलाई तपाईको परमेश्वर बनाए भने योर ब्लेस्ड अनि मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर परमेश्वर को आप अपने जीवन में अधिकार राज करने देंगे तब आप आशीषित होंगे उसके अपने देखिए वो राजा जो तुम्हारे राज्य के अधिकार करेगा वो अपने लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा We are forcing on the thing which is not the will of God, अगर, then the devil is using us for his benefit, not for our benefit. और देखिए अगर आप और मैं परमेश्वर की इच्छा में उनकी इच्छा में अगर नहीं चल रहे हैं तो क्या होगा कि शैतान अपने ही फायदे के लिए अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल करेगा. If you want to see more than before in your life, अगर आप अपने जीवन में पहले से ज्यादा बढ़ do not force on the thing which is not the will of God. Do what God is telling you. I'm warning the church. More you will be in His presence, you are blessed. But if you come out from the presence of God, you will fill with the worldly thing, and your desire will be worldly things. And देखिए अगर आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में समय को बिताएंगे तो आप आशीषित होंगे. लेकिन जितना ही ज़्यादा परमेश्वर की बातों से उसकी उपस्थिति से दूर चले जाएंगे तो आप संसार की बातों से दूर भर जाएंगे और आपकी इच्छाएं चाहना भी संसारिक होंगी. That king will use everything for his own benefit. यहाँ क्या लिखा कि वो राजा हर चीज का इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए करेगा. That's why the people who are not with the Lord, they are people who are not spending their time in the presence of God, even their money, even their things, talents, devil is using for his glory, not for ours. इसीलिए तो वे लोग जो परमेश्वर के साथ में नहीं, जब परमेश्वर के समय अपने समय को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बिताते तब उनके साथ क्या होता है कि शैतान उनके पैसे रुपए को, उनके गुणों को, उनके जो भी स्किल है वो सब क्या है शैतान अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है. Do not force on the thing which is not the will of God. इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं do what God wants you to do. कीजिए वही काम कीजिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग करें. Then only we can see more than before in our life. तभी हम परमेश्वर की बातों को पहले से ज्यादा देख पाएंगे. Then only we can see the blessings are coming in our life. उतना ही ज्यादा तभी हम देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष से पहले से ज्यादा हमारे जीवन में आ रही है. If you take a tenth of your flock and you yourself will become the slave. यानी कि वहाँ तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दसवां अंश लेगा. इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे. तुम लोग उसके दास बन जाओगे. You'll be his slaves. So that's why allow God to take care of your life. इसीलिए अपने जीवन का देखरेख करने की अनुमति परमेश्वर को करने दीजिए. हमें प्रत्येक लाइफ परमेश्वर लाइफ अनुमति दिनों पर सा हमरो जीवन लाइफ चलाने को लागे. हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें परमेश्वर को देना है. परमेश्वर को उपस्थिति में जति सक्ष बस्नु जितना आप बैठ सकते उतना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ. जब हमें परमेश्वर को उपस्थिति में बस्छौं हमें परमेश्वर को कुरा मात्रै चाहन्छौं. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो हम परमेश्वर की बातों को ही चाहना करेंगे. लेकिन हमें परमेश्वर को उपस्थिति में न बसे भने हमें संसार में बसे भने हाम्रो चाहना पनि वर्ल्डली हुन्छ संसार को जस्तो नै हुन्छ. अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे संसार की बात और संसार के समय संसार में अपने समय को बिताएंगे तो हमारी जो चाहना है इच्छा है वो भी संसारिक हो जाएगी. Your and my world is different, my friends. देखिए आपका और मेरा जो संसार है अलग है मेरे. Your and my king is different. आपका और मेरा राजा अलग है. Hallelujah. Who can love you and me more than anyone? वो राजा जो आपको और मुझको किसी और से भी ज्यादा प्यार कर सकता है. Who can take care of you and me more than anyone? जो आपका और मेरा देखरेख सुरक्षा पहले किसी और से ज्यादा कर सकता है. Who can bless you and me more than anyone? जो किसी और से भी ज्यादा हमको आशीष दे सकता है. So spend your time. With him, उसके साथ अपने समय को पहले से पहले किसी और से भी ज्यादा. हालेलुया. अरु भन्दा पनि बेसी आफ्नो समय चाहिँ परमेश्वर को साथ में बिताउनुहोस्. किसी और के साथ के बजाय आप उसका अपने समय को परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा बिताएं. क्योंकि परमेश्वर ने हुनुहुन्छ तपाई र मलाई अरु भन्दा पनि धेरै माया गर्छ. परमेश्वर ही है जो आपको और मुझको किसी और से भी ज्यादा Desire of your heart. Nobody knows. Only God knows.
where you are going, my friend. आप कहाँ जा रहे हैं मेरे भाइयों? You have to be careful. आपको बहुत सावधान रहना है. The decision which you are taking. वो निर्णय जो फैसला जो आप लेते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है. The things which you are doing. वो चीजें जो आप लोग कर रहे हैं. You have to be careful. आपको ध्यान देना है. Hallelujah. 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 The challenges we are also facing. लेकिन वो चुनौतियाँ हम भी झेलते हैं. Me and my wife we were sitting and we were talking. I'm not doing the worldly thing. I'm not running after money. मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ता. I don't like the run after any woman. किसी स्त्री के पीछे मैं नहीं दौड़ता. I did not sleep with any other woman except you. और मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री के साथ में नहीं सोया. So I know whatever the things devil is bringing in my life, we have the victory because God is fighting my fight. लेकिन मैं इस बात को जानता कि जो कुछ भी शैतान मेरे जीवन में लेकर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने जीत हमें दिया है, जीत हमारी है. I know my God himself is ruling my life. I did not allow anyone to be my king. और देखिए मैं जानता हूँ कि मेरा खुद मेरा परमेश्वर जो है मेरे जीवन के ऊपर राज करता है, अधिकार करता है. मैंने किसी को अपने जीवन पर राज करने नहीं दिया है. I did not take any decision like the I go out and do the adultery or doing the all kind of bad thing. I did not take any those kind of decision. I am doing what God is telling me. So whatever the thing devil is bringing in my life, I have the victory because my God is fighting my fight. बाहर जाकर मैंने ऐसे कोई भी गलत फैसले को नहीं लिया है जो मेरे जीवन में इस समस्या को लेकर आया लेकर आएगा. लेकिन मैं परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार करने दिया है और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारी बातों को मैंने किया. मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे युद्ध को लड़ेगा और जीत निश्चय ही मेरी है. देखिए मैं दिन भर जाके बाहर बैठ के किसी लोगों के साथ में यूं ही गप्पे नहीं मारता. My wife, my children, I'm in the house or I talk with my church people and most of the time I talk with Sonny. That's all. Pastor Sonny, that's all. Or my staff. That's all. I don't go outside and hanging around with my worldly friend. I never do that. My friendship and my time I'm using only with my church people and my Christian friend circles. और देखिए कि मैंने अपने दोस्ती को अपने समय को मैंने सिर्फ मंडली के लोगों के साथ में वे लोग जो मसीह में मेरे दोस्त हैं उनके साथ में अपने समय को बिताता हूँ. इसलिए मैं जानता हूँ. So I know. मैं जानता हूँ. We have victory. ये जीत हमारी है. But. लेकिन. What about those people? उन लोगों का क्या? Who come out from the presence of God and allow somebody else to be their king. उन लोगों का क्या जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गए हैं और किसी और को अपने जीवन का राजा होने के लिए छोड़ दिया है. Verse 18. 18 पर. Then he says, when that day comes, you will cry out for relief. From this king you have chosen and the Lord will not answer you in that day. 18वें पद में कहा है उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा. People willingly choose. लेकिन लोग जो है इच्छा के साथ में उनका अपना फैसला था और वर विलिंगली चूज टू डू रॉन्ग थिंग. जो गलत कामों को वे लोग जो गलत कामों को चुनने का करने का फैसला करते अपनी इच्छा से जानेर पनि फोर्स गरेर गरिराखेको छ भने समस्या आउँदा कराउँदा परमेश्वरको अगाडि रुदा पनि परमेश्वरले ध्यान से सुनिए. अगर जान बूझ के जबरदस्ती अपने गलत फैसले को अगर आप करते रह रहे हैं तो जब समय जब मुसीबत का समय आएगा आप परमेश्वर को दुहाई देंगे तब भी परमेश्वर नहीं सुनेगा. बिफोर द टाइम लेकिन समय वो समय आने से पहले बी केयरफुल आप सावधान हो जाइए. बिफोर द टाइम वो समय आने से पहले बी केयरफुल आप सावधान हो जाइए. ऑन द थिंग्स व्हिच इज नॉट द विल ऑफ गॉड परमेश्वर की इच्छा में नहीं उसको जबरदस्ती
the thing which is not the will of God. परमेश्वर की इच्छा में नहीं उसको जबरदस्ती ना कीजिए. यो कुरामा जबरदस्ती नगर्नु हो जुन चाहिँ परमेश्वर को इच्छा हैन. जो परमेश्वर की इच्छा नहीं उन बातों को जबरदस्ती मत कीजिए. Otherwise we will be in problem. नहीं तो हम समस्या में पड़ जाएंगे. Otherwise we will be in problem. हम समस्या में पड़ जाएंगे. I was telling to my wife also. मैं अपने पति से भी कह रहा था. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया. I did not take anyone's money. मैंने किसी का पैसा नहीं लिया. So this challenge is coming. तो ये जो चुनौतियाँ हैं. This morning when both of us we wake up. अरे आज की सुबह जब हम दोनों उठे. She told me that God gave me the word. कि उन्होंने मुझसे कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है. And I said this is written in the James chapter 1:2. और ये लिखा है याकूब के 1:2 में. And what is written there? क्या लिखा है वहाँ? I'm telling for the people who are walking with God even if the trials, temptation come in their life. What the Bible says here? और देखिए मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जब वे लोग जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां जब उनके जीवन में आती है, तब भी वो परमेश्वर के सामने करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ. Moment we open my eyes, she told me that. जिस समय मैं जैसे ही मैंने अपने आंखों को खोला, उन्होंने मुझसे कहा. In Hindi. एक को दो ही. एक का दो कहता है याकूब, एक का दो कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. पूरे आनंद की बात समझो. Why? क्यों? What is written down? यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. विश्वास का परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. हालेलुया. The things which we are facing. देखिए वो बातें जो हम झेल रहे हैं. Now that's the what you call the confirmation word from God. और देखिए ये जो है परमेश्वर से एक कंफर्मेशन, एक पक्का एक वचन है. That this is just like the testing of our faith. ये जो है हमारे विश्वास की जांच परख हो रही है. And I want to tell devil. अब मैं शैतान से कहना चाहता हूँ. You are not going to bother me anymore. तू मुझे अब और तंग नहीं करेगा. Hallelujah. I am not going to stop. मैं रुकने वाला नहीं. What God is telling me to do. जो काम मुझे परमेश्वर करने को कह रहा है उससे मैं रोकने वाला नहीं. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to do what the Lord is telling me. जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कह रहा है मैं उसे करूंगा. And I know that devil, you're not going to stop me. मैं जानता हूँ कि शैतान तो मुझे नहीं रोक सकता. Hallelujah. Hallelujah. I know that he's not going to stop me. मैं जानता हूँ कि वो नहीं रोकेगा. Why? Because I know my God is fighting my fight. क्यों जानते हैं आप कि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ रहा है. Because I did not allow anyone to be my king. क्योंकि मैंने अपने जीवन का राजा होने के लिए किसी और को अनुमति नहीं दी है. I allow God to be my king. मेरे जीवन का राजा मैं सिर्फ मेरा परमेश्वर. I allow God to fight my fight. मेरे युद्ध को लड़ने का अधिकार मेरे परमेश्वर को दिया है. Hallelujah. The Bible says that day they will cry, but you will not get the help from God. देखिए बाइबल कहता है कि उस दिन तो परमेश्वर को दुहाई दोगे और परमेश्वर से तुम्हें कोई मदद ना मिलेगी. You might think, you know, God hears our prayer. आप सोच रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर तो हमारे प्रार्थना को सुनता है. Yes, I know that God hears our prayer. मैं जानता हूँ ये बात सही है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है. But if you already allow somebody to rule in your life, then how God can work? लेकिन अगर आप ही ने किसी और को अपने जीवन के ऊपर अधिकार दिया है तो परमेश्वर आपके ऊपर कैसे अधिकार कर सकता है? If you want God to work in your life, then you have to allow that person, you can say, you have to take him out from your life by saying that you don't have right to rule in my life. अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ही अधिकार करे, तो वो इंसान जो वो जो है आपके अधिकार जो पहले से किया हुआ उसको आपको बोलना है, उसको हटाना है और आपको उसे बोलना है कि तेरा मेरे जीवन के ऊपर में कोई अधिकार नहीं है. हालेलुया. 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 God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. Amen. Hallelujah. If you don't understand, we are using the Wi-Fi. Which Wi-Fi we are using? Alliance. हमें अलायंस नाम का जो वाईफाई है वो यूज कर रहे हैं. Now we are allowing the what you call we are using the alliance wifi and it's working nicely. और अलायंस जो है अलायंस जो ब्रांड है उसका वाईफाई हम यूज करते हैं. CCN wifi will not work here. देखिए जब हमने अलायंस वाईफाई को कर लिया है तो CCN का वाईफाई जो है वो यहाँ काम नहीं करेगा. Why? क्यों? Because we disconnected. क्योंकि हमने CCN को डिस्कनेक्ट कर दिया. We allow CCN to work here. देखिए हम अगर CCN को काम करने दिया. No, we before we allow CCN to work. इससे पहले
हमें सीसीएन को काम करने लॉस ऑफ डिस्टरबेंस बहुत उसमें डिस्टरबेंस आया समटाइम कभी कभी नेट ही नहीं होता था सो दैट टाइम वी डिस्कनेक्टेड नाउ द एयरलाइंस इज वर्किंग और देखिए अब हमने सीसीएन जो हमने पहले लिया था उसको डिस्कनेक्ट किया और अभी अलायंस जो है वो काम करता है वी पुट इन आवर हाउस हमारा जो कनेक्शन जो है वो अलायंस का वी अलाउ द एयरलाइंस टू वर्क देखिए हमने अलायंस को ही काम करने दिया है नाउ इट्स वर्किंग अभी वो काम कर रहा है व्हाट आई मीन टू टेल यू इफ स्टिल वी अलाउ सीसीएन टू वर्क देन एयरलाइंस कैन नॉट वर्क देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए अगर हम सीसीएन को ही यहाँ पे लगा के रखते तो अलायंस जो अच्छा है वो यहाँ पे काम नहीं करता फिर सो वी डिस्कनेक्टेड तो हमने क्या किया सीसीएन जो पहले था उसको डिस्कनेक्ट किया सो इट्स अप टू यू तो ये आपके ऊपर है Whom are you allowing to rule in your life? आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किसको अधिकार करने दे रहे हैं Now what happened? Verse 19 says, but the people refused to listen to Samuel. तो भी उन लोगों ने सामुएल की बात ना सुनी. No, they said, we want the king over us. और कहने लेकिन नहीं हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं. Many people also in the church. बहुत सारे भी जो लोग जो है मंडली में. God is telling us. परमेश्वर हमसे कह रहे हैं. But we refuse. लेकिन हम उसको He said, no, where we are happy. वो कहते हैं कि जहाँ हम है नहीं हम जहाँ है हम खुश है My friends, मेरे प्रियो, if you are in the wrong place, अगर आप गलत जगह में है only smell will come. अगर आप गलत जगह पे है तो वहाँ से बदबू ही आएगी गंदा जगह में है तो गंद ही आएगा सुगंध का आशा मत करो डर्टी इज डर्टी गंदगी ही है good is good. अच्छा है Where you are? आप कहाँ पर है Where you are? आप कहाँ पर है You know yourself better than anyone. आप अपने आप को किसी और से भी ज्यादा आप खुद अपने आप को जानते हैं I might don't know. हो सकता है कि मुझे नहीं पता Your family might don't know. आपके परिवार को नहीं पता But we cannot hide the things from God. लेकिन हम लोग परमेश्वर से चीजों को नहीं छिपा सकते You know yourself better than anyone. आप खुद अपने आप को किसी और से भी ज्यादा आप खुद अपने आप को जानते हैं They says, no, we want king. फिर इन लोगों ने क्या कहा नहीं हमें राजा ही चाहिए Now what this says? क्या कहते हैं लोग? It says, 20 says, Then we will be like all the other nation with the king to lead us and to go out before us and fight our fight. यहाँ पे क्या 20 पद में कहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे हालेलुया व्हाट दे वर सेइंग क्या कह रहे हैं लोग सेइंग कह रहे हैं इन अनदर वर्ड दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं अदर किंग कैन फाइट बेटर देन यू ये कह रहे हैं कि बाकी जो राजा है आपसे ज्यादा अच्छा युद्ध लड़ सकते हैं दे नो वो जानते हैं God fight their fight and brought them out from Egypt. वो जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने ही उनके युद्ध को लड़ा और उनको मिस्र देश से बाहर निकाल दिया है. No. We need king who can go before us and fight our fight. और अब यही लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो हमसे आगे जाकर हमारे लिए युद्ध को लड़े. If you are forcing on the king which is not will of God. अगर आप जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं अगर उन्हीं बातों को अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो It shows ये दिखाता है you can do better than God. तो ये यही दिखाता है कि आप ये सोचते हैं कि आप जो है परमेश्वर से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं That's foolishness. और वो मूर्खता है Nobody can fight our fight better than God. हमारे युद्ध को परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता Israelites, their mind changed. देखिए इसराइलियों का मन बदल गया Why? क्यों? Because they were not in the presence. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे Ark of God was captured. परमेश्वर का जो संघवाचा का संदूक छीन लिया गया था Full with the worldly knowledge. और अब क्यों है उनका जो दिमाग जो है संसार के ज्ञान और बुद्धि से भर गया We need. और अब भी वो कह रहे जब बार बार कह रहे कि नहीं हमें चाहिए हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमसे आगे जाकर फाइट और फाइट हमारे युद्ध को लड़े माय फ्रेंड्स यू माइट थिंकिंग व्हाट आई एम डूइंग कि मैं जो कर रहा हूँ इज राइट सही है बट आई वांट टू टेल यू मैं आपसे कहना चाहता हूँ रॉन्ग इज गलत गलत ही है
Wrong is wrong. जो गलत है वो गलत If है. If you have chosen wrong decision, अगर आपने गलत फैसले को लिया है, it will not only spoil your life. तो वो सिर्फ आपके जीवन को नहीं बर्बाद करेगा. Through you. लेकिन आपके द्वारा. Your coming generation will be spoiled. आपके आने वाली पीढ़ी भी वो भी बर्बाद होगी. Why? क्यों? Because we are the seed for our coming generation. क्योंकि हम लोग हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम ही वो बीज हैं. Hallelujah. 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 We are the seed of coming generation. आने वाली पीढ़ी के लिए हम ही वो बीज हैं. If you are doing right, अगर आप सही कर रहे हैं, your coming generation will do right. तो आपकी आने वाली पीढ़ी सही करेगी. There will be no doubt. कोई शक नहीं इस There might be the wind come. हो सकता है ऐसे तूफान आए. There might be the trials, temptation come. और ऐसे परेशानियां, यातनाएं आए. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहता है, the people who build their house on the rock. वे लोग जो अपने घरों को चट्टान में बनाते हैं, still stand. वो खड़े रहेंगे. Hallelujah. That's the promise. ये वायदा है. I don't know why these days I'm reading all these scriptures and it's really blessing my life. मुझे नहीं मालूम मैं इन दिनों में क्यों इन वचनों को ही पढ़ रहा हूँ. ये मेरे जीवन में वाकई में आशीष मिल रहा है. शैतान बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है, लेकिन मैं आनंदित हूँ. You know why? जानते हैं क्यों? Devil is loser. शैतान हारा हुआ है. I allow God to work my fight. अब मैंने परमेश्वर को मेरे युद्ध को लड़ने को दिया है. I allow him to be my king. मैंने अपने परमेश्वर को अपना राजा बनाया है. Hallelujah. Hallelujah. So I'm happy. इसलिए मैं खुश हूँ. Amen. Amen. I know nobody can snatch that joy and the blessing from my life and from my family. Hallelujah. मैं जानता हूँ कि कोई भी उस आनंद को, उस आशीष को मेरे लिए मेरे पास कोई नहीं चीज है. His mind was totally changed. जी इज़राइलियों का मन पूरी तरीके से बदल गया था. They were focusing in the worldly things. उसने संसार की बातों पे ध्यान लगा रहे थे. This is why all the nation has the king. We also need king who can go before us and fight my fight. My friend, what a foolish decisions they were making. और देखिए इजराइली लोग क्या कह रहे थे कि जिस तरह से बाकी राज्यों में बाकी देशों के राजा हैं, हमें भी उस राजा की जरूरत है. ऐसा राजा जो हमारे लिए आगे जाकर हमारे युद्ध को लड़े. आप देखिए कितनी मूर्खता भरा फैसला उन्होंने लिया है. Nobody can fight our fight better than Jesus. यीशु से बेहतर हमारे युद्ध को लड़ सकता. Nobody can fight our fight better than God. यीशु से बेहतर हमारे युद्ध को लड़ सकता. Fight. उसको लड़ने दीजिए. Allow him to fight. अपने युद्ध को उसे लड़ने दीजिए. When Samuel heard all that the people saying, और देखिए जब सामुएल ने वो सारी बातों को जो लोग कह रहे थे सुना, he bent it before the Lord, and the Lord answered, "Let," he says, "listen to them and give them the king." और जब उन्होंने सुना तो परमेश्वर को सारी बातें उसने कह सुनाई और यहोवा ने सामुएल से कहा उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे. निर्णय लेकिन परमेश्वर ने हमें चेतावनी दे दी है. और देखिए कि परमेश्वर God already warned Israelites. लेकिन परमेश्वर ने इसराइलियों को भी चेतावनी दी, सावधान कर दिया. और इसराइलियों ने क्या किया, उसको इनकार कर दिया. And you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? When you will keep reading 9 they appoint the king, 10, 11, 12, 13, 14, 15, till read the 15, you will see that all those Israelites again went to the slavery, and even the king did not obey what the Lord told him. लेकिन नौ अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, 9 अध्याय में हम देखेंगे कि उनके ऊपर राजा को ठहरा दिया गया. उसके बाद 15 तक अगर आप पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इजराइली लोग धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से दासत्व हो चले गए, वो नौकर हो गए. और यहाँ तक उनका जो ठहराया हुआ राजा था उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. And God took that authority again back. और फिर परमेश्वर ने उस अधिकार को दोबारा अपने हाथ में लिया. Give it to the people who are according to his heart. और उस अधिकार को लेकर परमेश्वर ने उस इंसान को दिया जो परमेश्वर के हृदय और मन की इच्छा के अनुसार काम करता है. इसलिए आपको हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ कि फैसला आपका है. हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर एक जैसे कहता हूँ परमेश्वर को अपना परमेश्वर होने दीजिए. What God wants you to do. जो परमेश्वर चाहते हैं आप उन्हीं कामों को कीजिए. Do not force on the thing which is not the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं उसे जबरदस्ती मत कीजिए. Again, take you in the life of slavery.
वो आप अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको दोबारा दासत्व की जिंदगी में ले जाएगा। उसकी उपस्थिति में समय को बिताएं। You think you're doing wrong, अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति में वापस आ जाएं। परमेश्वर से माफी मांगिए, allow God to be the king over your life, और अपने जीवन का राजा परमेश्वर को होने दीजिए। And I'm telling you, your life will be blessed. मैं आपसे कह दूं कि आपका जीवन आशीष होगा। Otherwise, the day will come. नहीं तो ऐसा दिन आएगा where you find yourself far away from God. आप देखेंगे अपने आप को परमेश्वर से दूर पाएंगे. You will find again in the place where you were before. और आप उसी जगह पर जहाँ पर पहले आप थे, अपने आप उसी जगह पर दोबारा पाएंगे. God has more than before in our life. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास पहले से ज्यादा है. हर चीज को आप सकारात्मक And you will see the blessing of God is flowing in our life. आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बह रही है. Father God, I come to your throne in Jesus. परमेश्वर यीशु के नाम Pray for each one of us who is watching me live. I speak your blessing upon their life. And help them, Lord. Help them, Lord. So they can allow you to be their king in their life. आप उनकी मदद कीजिए ताकि वो आपको अपने जीवन का राजा मानने पाए और हर एक जन के ऊपर आपकी आशीष को बोलता हूँ यीशु के नाम में. I just want all of you to stand.